हेलो हेलो, क्या हाल है। वेलकम वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं कार एक्सट्रीट। और आप लोग पूछेंगे इतने दिनों से कार एक्सट्रीट की वीडियोस कहीं नहीं आ रही थी, तो बात कुछ ऐसी भाई, कार एक्सट्रीट के जो डेवलपर है उन्होंने इतना मूव था कि सैलाब आ गया तो हमारे पास सारी गाड़ियां हैं, एक भी बोट नहीं है जो हम इसमें चला सकें। ठीक है, अब थोड़ी बाढ़ कम हुई है, राहत आई है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं मूव भरा हुआ है इन लोग का, वो ये लोग नहीं साफ कर पा रहे भाई, क्या करें हम। लेकिन अब गाड़ी लेके निकल पड़े हैं। ठीक है, थोड़े बहुत पैसे हैं तो आज गाड़ी लेने जा रहे हैं एकदम नई वाली। ठीक है, आज हम लोग लेने जा रहे हैं चार्जर। तो भाई चार्जर लेने चलते हैं। ठीक है, यहाँ से शोरूम भैया, अरे भैया क्या गाड़ी पिल गई हमारी, कोई बात नहीं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हम लोग शोरूम के अंदर आ गए। ठीक है, यहाँ पर अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। ठीक है, चार्जर निकाल लेते हैं, लेट्स गो, देखते हैं कितनी स्पीड रही इसकी, पूरी भयंकर टेस्टिंग करेंगे यार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। ठीक है, तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते मेरे को, ये हम लोग की चार्जर ब्रो, क्या लग रही, DC2 नाम है इसका इसमें वैसे, लेकिन हम इस चार्जर कहते हैं, ऑलरेडी वैसे चार्जर है ही। लेट्स गो भाई, नारियल फोड़ दिया जाए, क्या बात है। गाड़ी का स्वागत करते हैं अपने एक और गैराज में गाड़ी आते हुए। बहुत गाड़ी होगी भाई, मेरे पास तो जगह ही नहीं होगी इनको रखने के लिए, कहाँ रखूँगा। कोई बात नहीं, हम देखते हैं कोई जगह बनाते हैं, घर खरीद लेंगे, अपने पास पैसा बहुत है, पैसे अंधे हो गए, 25,000 रुपये हैं भाई, कसम से फकीर हो गया यार। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक तो ये साला वाईफाई कभी जा ही नहीं रहा, कौन सा इंटरनेट चाहिए भैया तुमको, 6G चाहिए क्या, अरे नहीं आया अभी इंडिया में, इनको बताओ कोई। अजब गजब आदमी है भाई, कसम से कार एक्सट्रीट वाले मूड दिए भाई। देखो ये लोग अभी भी इधर पानी भरा हुआ दिख रहा है साइड में, कहीं कहीं भरा हुआ यार। लो भैया, हमने सेटलमेंट कर दिया गाड़ी का। ठीक है, लेट्स गो, गाड़ी चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं इसकी स्पीड कितनी, फुल स्पीड मंगाएंगे। भाई ये चार्जर कहते हैं भाई, देख रहे हो कलर, देख रहे हो एकदम सुनहरा रंग है, और हमने ही करवाया है, कहें स्पेशल हमारे लिए हुआ है, हम बोल देते हैं तो अच्छे अच्छे कलर कर देते हैं वैसे। ठीक है, बाकी इसकी मॉडिफिकेशन कर देंगे, टेंशन का ले रहे हो। अभी वैसे थोड़ा कम है, कमाना पड़ेगा। एक तो भाई इन लोगों ने सब बंद कर रखा है, समझ रहे हो सारी चीज़। ओ भाई आवाज़, गाड़ी की तो बात ही करना भूल गए, वो क्या आवाज़ है भाई, तारीफ़ कर दो, तारीफ़ कर दो। लेट्स गो, इसका टेस्ट करते हैं। लेट्स गो भाई, हम लोग आ चुके हैं नेशनल हाईवे 69 पर, और इस हाईवे पर हम लोग चेक करेंगे अपने चार्जर की स्पीड कितनी है। इसको फुल स्पीड से भगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा अगर स्पीड हो गई तो टेक ऑफ भी कर सकती है, इसलिए सीट बेल्ट बांध कर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, उससे उड़ेगी नहीं है। ठीक है, मतलब ये फालतू बात मैंने बोली है, लेकिन आप लोग कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लेट्स गो, 150 ऑलरेडी पार कर चुकी है, इसका मतलब ये टेक ऑफ कर सकती है। ठीक है, अभी ये फुल अनस्टैंड है, इसमें कुछ भी मैंने नहीं करवाया है, एकदम शोरूम से एकदम चिकनी चिकनी निकली है, वैसे ही एकदम कोमल कोमल। ठीक है, 200 भी पार कर चुकी है, मोड़ यहाँ पर आ गया है थोड़ा सा, तो हम लोग थूक भी सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थूके ना, स्पीड जरूर से कम होगी। हट साले, बीच में चला गाड़ी पागल है क्या भाई, रुक जाओ, मोड़ आ गया, अरे मोड़ वोड़ आ गया था, लेकिन भाइयों फुल स्पीड में गाड़ी चल रही है, 232-233 की स्पीड पर। मुझे लग रहा है बस अब यहीं से सीधा हिमालय पर्वत की ओर चली जाएगी जो सामने दिख रहा है। ठीक है, बस इतनी स्पीड है भाई इसकी, 233 इज द मैक्स स्पीड, उसके ऊपर नहीं जा रही भाई, हमने फुल एक्सलेटर दाब रखा था, चली जा नीचे, चली जमर जा जा, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड है कि जो जो उसमें खंती में चली गई थी, लेकिन टेंशन की बात नहीं, इन लोगों ने कंपनसेशन दे दिया है, यहाँ पर देखो पैसा मिल गया है। लेट्स गो, अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करने जा रहे हैं भाई, तुम लोग को तो मालूम होगा हम लोग फनाएंगे। हम लोग आ गए भाई बहुत ही खतरनाक एरिया में, ये एरिया है 51 है, और यहाँ पर इस गाड़ी का टायर और बॉडी का बॉडी अलग हो जाएगा अगर ये कमज़ोर होगी, लेकिन अगर इसमें दम होगा तो इस पड़ाव को पार कर सीधे आसमान को छू दे, फिर धरती जरूर आएगी, क्योंकि बहुत ही डाउन टू अर्थ गाड़ी है, DC2 नाम है इसका। ठीक है, लेट्स गो, फुल स्पीड पर यहाँ पर लेते हुए एक्सेलेरेटर भी इतना ज़्यादा दबा दिया है कि पीछे से निकल भी गया है, वो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन और यहाँ पर भाइयों हम लोग हवा में और छत के ऊपर से एक कदम रख के, क्या बात है, क्रिस की तरह सीधा लैंड करेंगे, क्या बात है, एक नंबर, देख रहे हो, लैंडिंग इज ऑन पॉइंट अंकल जी, मैंने अभी अभी लैंड किया, आपने देखा मैं क्रिस हूँ, मेरी शक्तियों के बारे में किसी को मत बताना, वरना यहीं पेल लूँगा साले किनारे लगा, देख रहे हो। लेट्स गो बे, देखो हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, हम लोगों ने इसकी बॉडी के बॉडी और टायर के टायर अलग करने की कोशिश की, लेकिन इसका नहीं हुआ, हम लोगों ने इसकी स्पीड चेक करी, हम लोग को लगा था हिमालय पर्वत चली जाएगी, लेकिन ये नहीं गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत जगह अच्छी भी लगी, नहीं भी लगी, ठीक है, वो सब हम लोग अपग्रेडेशन सही कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग को क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नई गाड़ी आई है, उसको हम लोग रेसेस में भी तो उतारेंगे भाइयों। देखो हर चीज़ एक बिजनेस होता है, कुछ लिया है तो उसके बदले में ये हम लोग को कुछ देगी, हम लोगों ने इसको पैसा दिया ना भाई, बहुत महंगी मिली है, हम लोग बर्नआउट क्लब ज्वाइन कर लिए हैं। लेट्स गो बे, यहाँ पे मुंडी बनी है, अच्छा बर्नआउट वाला बंदा है, इससे रेस करेंगे हम लोग। ठीक है, मार्क लगा दिया, लेट्स गो, चलते हैं, ऑन द वे हैं, चार्जर ले जाकर डिस्चार्ज कर देंगे बैंस के, डरते नहीं है भाई किसी से, समझ रहे हो। लेट्स गो, पहुंच गए भैया, अब होगी एकदम भयंकर रेस तूफानी वाली, समझ रहे हो। चलो भाई साहब, यहाँ पर गाड़ी लेकर आ गया, वो भी चार्जर लेकर आया भैंस के, यहाँ चार्जर ही है ना ये, कि बस स्टैंड है, चार्जर है, मेरे को लग रहा पुरानी वाली, अपन नई चार्जर लेकर आ गए, देखते हैं कौन जीतता है। वे देखो अपनी नई चार्जर है, मॉडिफिकेशन अत्याधुनिक की पूर्ण रूप से, बहुत ही भयंकर मिसाल है, इसलिए हम लोग जीतेंगे, हम बता रहे हैं। यह आगे क्या बाहुबली वाला वो रथ है क्या भाई, इसका ब्लेड ब्लेड लगी भैंस का, कोई सामने आगे पेल देगा भाई, ये तो समझना पड़ेगा भाई, सिस्टम उठा रखा है इसने अपना, लेकिन चिंता ना करो, हमारा भी वोकल टाइट है, एकदम पेल देंगे इसको, टेंशन नहीं लेने का, समझ रहे हो। लेकिन थोड़ा हमारा ड्राइविंग, अभी देखो नई नई गाड़ी ली अपने, नहीं चलानी आएगी तो अपन ठोक भी सकते हैं, लेकिन टेंशन ना लेना, एकदम बढ़िया चलाएंगे गाड़ी भाई, जीत के दिखाएंगे तुमको, आज जीत के दिखाएंगे, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, इसको ठोक देंगे। देखो मेरे पास एक आइडिया है भाइयों, इसको जहाँ टर्न वर्न आएगा ना, इसको ये देखो साला क्या कर रहा है, मेरे सामने ऑब्स्टिकल डाल रहा है भाई, ये ऑब्स्टिकल डाल रहा है, मेरी इंग्लिश में थोड़े मात्राएं लग गई, लेकिन टेंशन ना ले। हाँ भैंस कह रहे भाई साहब, हम किसी गाड़ी से नहीं टकराएंगे बे,
साले तुम रथ लेके चल ले हो तो क्या हमारे ऊपर बॉडीज फेंक दोगे सामने वालों के? अरे इनको भी पेलते भाई, देख लो खाली, तुम आगे टर्न आन दो कोई बढ़िया। यहाँ पे तो नहीं, अभी थोड़ा दूर है हमसे। अः भाई साहब हमारा टर्न जो है थोड़ा भयंकर है, थोड़ा लंबा टर्न लेते हैं समझ रहे हो, मतलब पूरा घूम के आते हैं एकदम बढ़िया वाला, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेकिन टेंशन ना लो, कितनी बार बोल दिया टेंशन ना लो भाई, ले लेंगे बंदे टेंशन, लेट्स गो। अभी देखो अभी इस टर्न पे ना मैं इसको थोड़ा ऐसा चट्ठा मारूंगा साइड से, भैंस कहीं लौट जाएगा यहीं पर, रुक जा। अबे भाई क्या कर रहा, कहाँ से लेके चल रहा, रॉन्ग लेन में चल रहे हैं सामने वाले बंदे। आइए घुस जा उधर, घुस जा भाई रथ में, घुस जा के अंदर, क्या बात है देख रहे हो। अब उसको जब तक सही होने में टाइम लगेगा, उसको सदमा लग गया देखो दोस्तों, तो वो जब तक सही होगा तब तक हम लोग जीत जाएंगे। देखो भाई कैसे जीतते हैं, भाई साहब जीत के बेहद करीब है, और इस वजह से दिमाग में खुराफात का आइडिया भी चल रहा है, क्यों ना भाई साहब यहाँ पर हम थोड़ा गाड़ी को रोक के, गाड़ी उल्टी कर दी, कहाँ जा रही हो बिल्लो रानी, मतलब कि चली जाओ ना पहाड़ों पर चली जाओ, अब हम यहाँ से उल्टी लेकर जाएंगे भाइयों, मतलब हम उल्टी चला के जीतेंगे, उससे वो सीधी नहीं जीत पा रहा है देख रहे हो। एक नंबर, अभी भाई आ गया, ओ भाई दुख दर्द पीड़ा है मेरे ही पिछवाड़े में कीड़ा है ना, मुझे ही करना है भाई ये सब, बहुत बड़ा राइडर हो गया हूँ भैंस के यार ना। अबे भाई इतना बड़ा राइडर थोड़ी हूँ यार, नौटंकी बेल रहा हूँ भाई, एक और बार मन तो कर रहा है, लेकिन भाई नहीं यार सीधा लेके चलते हैं ठीक है। नहीं वो साला एकदम से रॉकेट की स्पीड से आता, भाई इसको कोई पीछे से लात वात मार देता है ऐसा लगता है। जीत गए भाई, संतुष्टि हो गई, खत्म करो। अबे भाई कसम से एक बार उल्टा जीत जाते ना, मन को जो संतोष मिलता है भाई, तृप्त हो जाती है आत्मा। लेकिन भाई पता नहीं क्या है, वो बंदा ऐसी रॉकेट की स्पीड से आता है। एक तो ये गाड़ी, इसको मैं कहता हूँ भाई बस उल्टी होकर चल ले, तो उल्टी नहीं होगी, पहले जंगलों में चली जाएगी भाई, इसको जंगल में मंगल करना है, लगी इसके नशे ठीक है। उसके बाद रिवर्स गियर दबाओ तो एक घंटा कहती आए, कौन सी बटन दबाए हो बे, मतलब अजब गाड़ी है। तो कोई बात नहीं भाई, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।